सेक्टर 7 स्थित निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की दीवार गिर जाने पर जांच समिति बैठाई गई है, जिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की है। विगत दिनों हल्की बारिश के चलते सेक्टर 7 स्थित स्पॉट कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य में लगभग 50 फीट ऊंची दीवार के गिर जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर जांच कमेटी बैठकर जांच के आदेश दिए थे। अब उस कार्य पर जांच न कर छेड़छाड़ किए जाने के साथ दोषी अधिकारी व कर्मचारियों को बचाने किए जा रहे कार्य की शिकायत लेकर प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले की जांच किए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मामले में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। 18 मार्च को सेक्टर 7 में जो इंडोर स्टेडियम बन रहा था नगर निगम द्वारा, वो एक हवा में ध्वस्त हो जाती है और उसके बाद उस पर जांच बैठती है। जांच में अभी तक जो वहां पर जो कार्रवाई होनी थी, अभी तक वो उतनी कोई कार्रवाई हुई नहीं है और निगम अब उस बिल्डिंग को, जबकि वो एरिया अभी जाँच चल रहा है और प्रतिबंधित एरिया है, निगम द्वारा उसको तोड़ा जा रहा है। उसमें उस ठेकेदार और अधिकारियों को बचाने के लिए वहाँ अभी तोड़फोड़ निगम द्वारा चालू कर दिया गया है, जबकि अभी जांच चल रही है वहाँ पर। हम लोग चाहते हैं कि जो इसमें जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जब तक जांच चल रहा हो उस एरिया के साथ छेड़छाड़ ना करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।